मेरा फेवरेट। इस बार गर्मी आ ही नहीं रही थी ना, तो उस वजह से पी नहीं पा रहे थे। आजकल दो दिन हो गए हैं, मौसम साफ है, तो शेक बनाना तो बनता ही। अब भी इस तरह से बना के मौसम मत लगाओ, क्योंकि बादल इकट्ठे हो रहे हैं बाहर। देखो पंखा चलाया है, वैसे इतनी गर्मी नहीं है, पर रौनक के पापा अब भी पहुंचे हैं, तो बाकी शेक बहुत टेस्टी बना है। तो जी अभी बजे हैं दिन के पीछे 2 बजे हैं, और अभी हम तैयार हुए हैं रौनक के पापा जैसे ही आए, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया था पिछले व्लॉग में, मम्मी के पेंशन के वगैरह जो कागज़ बनने हैं वो आगे कोटगढ़ में, उस दिन नहीं हुआ था वो काम हमारा तहसील में, यहाँ सब तहसील है वहाँ हो जाता है, तो वहाँ जा रही थी। उसने डैड ने बोला कि अब तुम कोटगढ़ जा ही रहे हो तो वहाँ मंजू मिल जाएगी, इसके लिए प्रूम्स मतलब कि पलम लेके जाओ, तो बस वही लेने गए हैं डैडी। नहीं छूट रहे थे, खुद अभी खराटे लेके सो रहे हैं, हमारे को सोने नहीं देता है रात भर, ये हट जा रस्ती वापस चलो। इसके ऊपर आ गया था वो रॉक उस दिन, ये दोनों थे भाई बहन छोटे छोटे। हेलो हाँ पता क्या, हम जी ना फोटो भी भेजी पासपोर्ट साइज फोटो फोटो है ना। हाँ हम लोग पता क्या कर रहे हैं, रौनक के पापा को भी हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि इनके पाँव में ना इतने मोटे मोटे छाले आए हैं, दिखाऊंगी मैं बाद में जब शाम को घर जाएंगे, मेहंदी हुई अच्छी चमक गई है। और मेरे मम्मी के भी कुछ काम है जो उस दिन भी नहीं हुए, आज कर देते हैं। मौसम ठीक है आज, अच्छा है, नुकसान तो काफ़ी हुआ है ना, पर ये है कि यातायात के साधन खुल गए हैं है ना, छोटी गाड़ी। दिक्कत सिर्फ 2-3 जगह से, उधर साइड से कनाहर और मधावनी साइड से है, उधर से रोड ब्लॉक है, ब्लॉक तो नहीं है ना, रोड ब्लॉक खत्म हुए है उधर से, उधर को तो गांव के गांव सबसे पहले हॉर्टिकल्चर रोड बोलते हैं, उस पे पूरा तबाह हो चुका है ना, ये भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ तो उस वजह से रौनक की ऑनलाइन क्लासेस लगी है, पेपर कैंसिल हो गए हैं। चलो नहीं दूर दूर दो, आपको विश्वास नहीं होगा ना, मैं बताऊंगा आपको, रौनक की जो अभी देखना अगस्त लग जाएगा ना, जुलाई समझो चला गया, सितंबर अक्टूबर 2 महीने, नवंबर में लास्ट पेपर, तो दिसंबर तो ऐसे भी अगर लेट भी होंगे तो दिसंबर शुरू में, अलवत तो कहीं नवंबर में हो जाते 15 के बाद, अभी मतलब कि हाफ ईयरली नहीं हुए, और उसके बाद सेकंड पीरियोडिक जिसको बोलते हैं टेस्ट वगैरह, और उसके बाद फिर लास्ट पेपर, 2 महीने में कितना ही कर लेंगे बेचारे, पढ़ाई पे भी बहुत असर पड़ गया है इन चीजों का, पर चलो ये है कि इतना तो है कि इतना भी रहे, हम तो प्रे कर रहे हैं अब सच में हिमाचलवासी की बारिश ना हो, 15-16 दिन बारिश अपनी चाहिए, हाँ 15 दिन जाने चाहिए, बीजे बोला हमारे बीजे जाने चाहिए, बिल्कुल बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भाई तबाही हो जाएगी। यहाँ पे नाला है और यहीं पे घर बन रहा है, तभी तो फिर बोलते हैं कि पता नहीं क्यों नेचर के विरुद्ध काम करेंगे ना तो ऐसे ही होगा। डैडी जी बोलते थे, जब हम बोलते थे कि भाई हमने घर पीछे बनाना है, डैडी बिल्कुल नहीं मानते थे, तो वो तब भी बोलते थे इसी वजह से नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी स्लाइड एरिया है, पहले पता क्या जो बुजुर्ग होते थे ना वो बड़े पक्के के है ना, जो पुराने रिहायशी, हाँ अब लोगों ने सिर्फ ये है कि गेड़ा दिया हुआ है, सहूलियत गाड़ी आ रही पर सहूलियत देखते हैं, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है। मेरे शाम को पता क्या हुआ, कल में एक कहानी जाएगी यहाँ पे, जाएगी कोटगढ़ रोड है ये, पर दिखाना तो क्या है, ये ऐसा ही है, कीचड़ ही कीचड़ है, स्कूल भी है इधर अगले साइड में। चलो और हाँ ऐसे भी बोलते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलिए, देखिए बारिश में भी जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ काम जो है हमें निपटाने ही पड़ते, ये देखो सारे खेत खत्म हुए हैं। अरे हाँ एक बात और, कल शाम को मैंने एक वीडियो देखी कि सबसे अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, मैं भी बोलती थी इस चीज़ को कि महंगाई है आग लग गई है, वो भी जायज़ है ठीक है, जैसे मतलब कि अगर कोई टूरिस्ट वगैरह से ज़्यादा लेता है जैसे पैसे वगैरह तो ठीक है, बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ में सब चीज़ का लेंगे है ना, पर मैंने कल एक वीडियो पता क्या देखी, जितने भी टूरिस्ट फंसे थे ना कुल्लू मनाली में और इधर भी थे, जो सबको इतने अच्छे से ट्रीट किया ना हिमाचल वालों ने बाई गौर से, वो वीडियो देख के तो मैं मैस्मराइज हो गई, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हुआ पता क्या जैसे ही आपदा आई बहुत से टूरिस्ट थे यार उधर फंसे हुए, हाँ ऐसा नहीं हुआ जैसे मेरे ख्याल से दूसरी जगह भी हुआ था जब मैंने देखा था कि अगर आपको 20 रुपए की बोतल है पानी भी पीना तो है ही, लेके 200 की दे रहे थे, नहीं बिल्कुल जायज रेट में, और हेल्प भी बहुत करते हैं हिमाचल के लोग, दिल के बहुत साफ होते हैं, तो
थोड़ा सा टूरिस्ट प्लेस पे है, जो कमाने बैठे हैं वो तो थोड़ा रेट लेंगे। यहाँ हमारे काम सारे आसानी से हो जाते हैं लोकमित्र केंद्र में। लोकमित्र केंद्र में कार्य हो गया है, इतनी गर्मी है ना, और इतनी ठंडी जगह है ना ये कोटगढ़, पर यहाँ पे भी गर्मी लग रही है आज। धूप इतनी सीधी लगती है ना मुँह में। ये असली खतरों के खिलाड़ी है ना, हम भी हैं ऑब्वियस सी बात है, पर यहाँ पे इतनी तंग जगह ना, मत जाओ पीछे, फिर आपको जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगली साइड को भी डेंजरस है, और पीछे से नाली भी कटी हुई है, और यहाँ पे सारा साइड, यहाँ पे देखो ये सेब का पेड़ भी नीचे आने वाला है। ओए आराम से चलाओ। भगवान इधर कुछ ज्यादा ही नुकसान है हुआ, और मैं पता क्यों जा रही हूँ अभी। हम वापस भी जा सकते थे, लेकिन आज मैंने देखो मंगलसूत्र पहना है, मैं कभी नहीं पहनती। मेरा जो मंगलसूत्र है ना, ये यहाँ से इधर साइड से काफी पहले का, इधर साइड से ये वाला सिर्फ। ए नहीं नहीं पीछे कहाँ डाल रहे आप, नहीं ये पीछे कुछ जो स्लाइड है ऐसे चढ़ा रहे है ना हर कहीं, यहाँ देखो अब जाओ। और ये इसका है ये वाला टूटा हुआ है, मैं इसको ना बदलने का सोच रही हूँ। ये मेरी शादी का मंगलसूत्र है, बदलू लो इसको, वो वाला इसको ना, या तो मैं बदलूंगी या इसको ठीक करूंगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। रौनक के पापा को रोड में छोड़ के मैं इस जंगल में आ गई, क्योंकि मुझे ढूंढनी थी रहची पहाड़ी मशरूम, और अभी ना इधर साइड को नहीं है, फालतू की चीजें तो मिल रही है, जो ईडेबल होता है ना वो नहीं मिल रहा है। मैं वापस चले जाऊंगी, क्योंकि इधर साइड को होते हैं इस जंगल में, अभी नहीं है फटे हुए। फालतू चीजें तो दिख रही है, जो मेन चीजें वो नहीं दिख रही है। वो देखो उसे बकरी खाता है। ये देखो हमको शेर मिला आज। ओ माय गॉड, आज हमने लेपर्ड को बहुत नजदीक से देखा, और इतने नजदीक से देखा ना, मैं नहीं डरती भाई तेरे से, देख मेरे से ही डर के भाग गया लेपर्ड। जंगली बिल्ली सामने एक तो मैं ऐसे फेस टू फेस देखा, हम दोनों ने बकरी खाते हुए। ये क्या था मतलब, ऐड नहीं आती थी यार। चलो बाबूजी वो देखो उसे। बारिश के बाद बिजली, सड़क और पानी दिक्कत में है सब। ये बिजली वाले मैं नहीं 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 मैं तो सपोर्ट करने के लिए पंखा लगा लिया, गले में पहले ही दर्द है। आज रौनक के पापा मम्मा पंखे के बिना नहीं रह सकते, एक सूट लिया है अपनी पसंद का, पहली बार उन्होंने कुछ ऐसा लिया है जो मुझे भी पसंद आया है, नहीं तो मुझे होता नहीं ये पसंद नहीं आता है, ये सूट लिया है। और आजकल ये चल रहे भी हैं लेवेंडर कलर, और मुझे आते हैं ग्रीन और ब्लू और थोड़े से येलो रेड, ऐसे ऐसे पसंद। पर ये वाला खाना के पापा बोलते एक बार ऐसा कलर पहन के देख अपनी पसंद के, और ये वाला लिया उन्होंने, और एक इसके साथ ली है ये वाली छतरी। ये भी ऐसे ही ढूंढ रहे थे ऐसे ही कलर में, पर ये मिली नहीं। ये लिए इस तरह के, ये देखो इस तरह के। पिछली बार जो मेरे पास थी ना वो वाइट थी, ये कुछ इस तरह की, पर ये भी रौनक के पापा ने लिए, मैंने नहीं लिया। तो आज स्पेशल उन्होंने कुछ मेरे लिए लिया है, थकी थकी सी लग रही हूँ ना, वही मैं सोई नहीं हूँ रस्ती की वजह से। और ये गोले, पिछली बार जो मैं गोले लेके आई थी ना, मैंने मम्मी के पास दे दिए वो अपने सास को बनाने के लिए, या अपने लिए जो भी, पर बोलते हैं अब ये वाला तो कम पड़ गया था, तो ये ले लिए मैंने। और दूसरी बार मम्मी के लिए या सास के लिए, मम्मी के लिए अम्मा जी के लिए, दोनों में से एक बना लेगी अपने लिए, फिर दूसरों की प्लेन, हम बोले प्लेन वाला लाई तो प्लेन वाला। और ये मेरा मंगलसूत्र, ये यहाँ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये रामपुर से लिए शादी का है ना हरवन से, इसकी मुझे टेंशन है, क्योंकि ये पता है क्या मैंने बताया नहीं वीडियो में, ये गुम हो गया था, छूट गया था अंदर से ही, जिस दिन मैं सासू माँ के साथ शादी में गई थी सोने का मंगलसूत्र, तो सोचो मेरा गायब हो गया था। हाँ जी खुद बनाऊंगी मैं, बस चाय जैसी बनानी, रुको। इसका ना गुम होने का खतरा है, एक बार गुम ही कर दिया था ये मैंने, ये पता कहाँ पे, जैसे जिस दिन शादी थी उसे पता नहीं, मैं निचली साइड ऊपरी साइड, और ये यहाँ से बताऊंगा इसको, ऐसा नहीं है ये कि मैं मजाक कर रही हूँ। ये देखो ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, एक लड़ी के सहारे टिका है, तो इसको बोलते हैं वहाँ पे नहीं होगा ये ठीक, और फिर शायद तो ऐसे भी करते होंगे शायद कि जैसे औरों का काम, पर वो ऐसे नहीं अंकल ठीक है। पर मैं इसको अब क्या करूँगी, मैं इसको वापस ही ले जाऊंगी, मैंने पूछा इसको ना यहाँ से, और याद हो यहाँ देखो ये देखो एक लड़ी सहारे पार भी, और तुम्हें जो गड़ावे ना इसके लिए पूछा मैंने, इसको करो। और ये फिर
फिर मैंने इसका वेट भी किया, 1,31,000 वाले, 1,31,000 वाले डेढ़ जो वापस, फिर इसको वापस करने का कोई फायदा नहीं है, भले ही 1,31,000 का जा रहा है, जो वापस आ रहा है वो 3,00,000 से कम नहीं आएगा। तो अभी मैं इसको फिलहाल ऐसे ही रखूंगी, ज्यादा इसके साथ छेड़छाड़। जब पैसे होने ना बोला तीन कोरे पे, फिर मैं पता क्या करूंगी इसको, नहीं हो रहा है ना, नहीं लग रहा है, बोलते इसको वहां ले जाना पड़ेगा। अब मेरे को इसको लगाना ही नहीं पड़ेगा, मुझे ना ये अच्छा लगता है मंगलसूत्र पहनना, शादी का है मेरा ये, अब क्या करूं बे, के छड़ू जगह पहनना नहीं पड़ेगा। हाँ। बाकी जब ये लिया था ना तभी 39,000 का था, उतारी चढ़ी 1,000 का था, और आज भी इसकी कीमत, उस टाइम उतारी चढ़ी 1,000 भी आज के 1,00,000 ही थे, 1,31,000 का बोला इसको जाने का, और बाकी कुछ नहीं लिया मैंने, बाकी तो मैं आ गई वापस, और उनके पापा के पाँव में इतने मोटे मोटे छाले आए हैं, देखो कितने बुरे हाल हुए पाँव के आपके, तो आस पास साफ अभी आगे है, दवाई लगा के ट्यूब लगाई थी इसमें, मर जाते हैं मराने जो नौकरी है, नौकरी सरकारी नौकरी को छोड़ते हैं ये देखो बुरे है, घर के पीछे मिलना बोला, क्या पता लग दे तू, मैं ऐसे तो मेरा दिल सोने का करा था पर मैं सोई ही नहीं, बाकी खाने के लिए मैं ऐसी बोल रही हूँ क्योंकि सुबह के गए थे सिर्फ 2 छोटे छोटे से परांठे खा के, शाम को आए फिर उस हिसाब से, फिर अभी हाजिन को पनीर खाने का, डेली डेली पनीर और राजमा खाने का दिल करता है इनका, रौनक का और इनका, तो चलिए खाना बनाते हैं, व्लॉग का करते हैं।